सो गाइस यहाँ पे देखो भाई, एक झलक आप लक रॉयल के अंदर डालो भाई, हमारा लक रॉयल नया आ चुका है। और भाई साहब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भाई हमारा जो हॉल ऑफ इलीट का जो रॉयल है वो वापस आ चुका है। और गाइस यहाँ पे एक स्पिन आप 40 डायमंड्स का कर सकते हो, 10+1 स्पिन आप 400 डायमंड का कर सकते हो। और गाइज यहाँ पे ये मेरा आईडी नहीं है, यहाँ पे 10,000 डायमंड है इस आईडी के अंदर, ऑलमोस्ट 11,000 डायमंड्स हैं। और गाइज ये मेरे दोस्त का आईडी है, शिवांग गेमर का। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ, मेरे मेल बॉक्स के अंदर फ्री फायर वालों ने ये सारे बंडल्स मुझे दिए हैं, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना और क्या क्या मुझे मेरे मेल बॉक्स के अंदर मिला है। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी गाइज यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं ये सारे के सारा हम यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कार्फ भी है। और गाइज जैसे ही मैं स्पिन करना स्टार्ट करूंगा ना भाई, आप काउंट करना कितने डायमंड लगने वाले हैं और कौन कौन से आइटम हमें मिलने वाले हैं। बाकी गाइज यार फ्री फायर वालों ने एक अच्छी चीज की है इस रॉयल के अंदर, यहाँ पे आपको टोकन्स भी मिलने वाले हैं, तो टोकन में भी आप बंडल्स को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन गाइज आप प्लीज वीडियो को लाइक का जो बटन है वो जोर से दबा देना। और हाँ यार मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, आप देखना यहाँ पे 10,904 डायमंड है। एंड गाइज यहाँ पे कौन कौन से आइटम्स हम निकाल पाएंगे और कौन सा बंडल मुझे मिलने वाला है 10,000 डायमंड्स के अंदर, आप काउंट करना कितने डायमंड लगने वाले हैं। तो मैं पहले 400 वाला स्पिन करता हूँ और गाइज यहाँ पे देखते हैं कौन सा आइटम या फिर कौन सा बंडल हमें मिलने वाला है। बाकी गाइज यहाँ पे गोल्डन कलर, ओ बैकपैक मिल चुका है हमें गाइज यहाँ पे, बाकी तो टोकन ही टोकन। भाई देखो यहाँ पे टोकन पे टोकन मिले जा रहे हैं। बाकी गाइज यहाँ पे हमें ये एक रैबिट वाला बैकपैक मिल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज यहाँ पे। चलो हम 400 वाला और स्पिन करते हैं। आप यार काउंट करके बताना एग्जैक्ट डायमंड मेरे कितने लगने वाले हैं। और हाँ यार एक और कॉन्ग्रेचुलेशन, तो हमें लूट बॉक्स मिल चुका है और यहाँ पे एक और टी शर्ट मिला है। तो देखो इसको चेक करते हैं भाई कौन सा लूट बॉक्स है, इसको यहाँ से चेक नहीं कर सकते क्या? तो यहाँ से चलो गाइज एक और स्पिन करता हूँ मैं 400 वाला। आप यार प्लीज़ एग्जैक्ट डायमंड काउंट करते रहना, ठीक है, और कमेंट करके बताना आपके कितने डायमंड्स लगे अगर आपने स्पिन किया है, और मेरे भाई कितने लगने वाले हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे भाई साहब टोकन पे टोकन दिए जा रहा है, एक भी बंडल नहीं दिया। तो गाइज यार आपको पता ही है भाई हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, हम यहाँ पे एडम बाबा को बुला के लाएंगे, क्योंकि एडम बाबा हमारे बहुत काम आ जाते हैं भाई। तो हम एडम बाबा को बुला के लाए और गाइज यहाँ पे एक 40 वाले स्पिन करता हूँ मैं पहले तो। एंड गाइज यहाँ पे उसके बाद हम डायमंड्स पे डायमंड भाई, फिर से टोकन भाई। तो गाइज यार चलो देखते हैं, गाइज यार आपको देखने की चीज़ है, मतलब आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इतने सारे डायमंड्स हैं। और गाइज यहाँ पे ये वाला टी शर्ट भी हमें मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे डायमंड्स हैं भाई, रिपीट आइटम भी मिल रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो इतने सारे डायमंड्स है मेरे पास। और गाइज यार आप काउंट करो ना कितने डायमंड लगने वाले हैं, तभी तो आप जाके स्पिन करोगे ना भाई। तो आप लाइक कर देना यार इसी वीडियो के लिए, इसी बात के लिए लाइक कर देना भाई, सुबह सुबह उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और भाई मुझे नहीं लगता 1-2 यहाँ पे हमें कॉन्ग्रेचुलेशन करके ऐसा कुछ मिलने वाला है। बाकी गाइज यार चलो हमारा लक्की नंबर 56 के ऊपर जा चुका है। एंड गाइज मैं यहाँ पे मैं करता हूँ स्पिन, और भाई आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जब ले, देखो भाई मैंने बोला था भाई रिपीट आइटम भी मिल रहे हैं। तो गाइज यार यहाँ पे टोकन दिए जा रहा है, तब तक मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। स्टोर में जाएंगे, स्टोर में जाने के बाद भाई हो जा भाई लोड, हो जा भाई क्या कर रहा है। आप तब तक कमेंट करो भाई कितने लाइक हुए वीडियो पे। और यहाँ पे रुको गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास 90 टोकन हुए हैं अभी, और 180 टोकन में हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे मैं एक बार क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हयातो लेता हूँ भाई, हयातो लेके और वापस स्पिन करेंगे गाइज। चलो 400 वाला। और हाँ यार एग्जैक्ट डायमंड नंबर याद रखना, ठीक है, एग्जैक्ट डायमंड नंबर याद रखोगे तो उससे आपको पता चलेगा भाई कितने डायमंड लगे। बाकी यहाँ पे अभी तो टोकन ही मिले जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसा कौन सा कैरेक्टर इक्विप करूँ जिससे मुझे सीजन 1-2 मिल जाए भाई? ओ गाइज यहाँ पे देखो रिपीट आइटम, रिपीट आइटम भी मिल रहे हैं, और उसके साथ हमें यहाँ पे टोकन मिल रहे हैं। तो यार ये तो कुछ काम नहीं कर रहे भाई कैरेक्टर। तो एक काम करता हूँ अभी मैं अपना डीजे आलोक नहीं, डीजे मैगजीन ले लेते हैं गाइज, हमारा डीजे मैगजीन होता है। चलो 400 का स्पिन करते हैं गाइज, और यहाँ पे आप प्लीज़ वीडियो को लाइक का जो बटन है जो उसे दबा देना। और हाँ यार
भाई सब्सक्राइब देखो भाई, नीचे सब्सक्राइबर देखो जाके भाई, 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा करीब है। और आप अगर चाहो ना भाई एक झटके में 1 मिलियन करा सकते हो। और हाँ गाइज, यहाँ पे देखो हमारा लक्की नंबर हो चुका है 100, और लक्की नंबर 100 हो चुका है। तो यार एक काम करता हूँ, रुको गाइज, पहले तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद गाइज यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा बंडल हमें मिलने वाला है। ठीक है, लक्की नंबर 100 हो चुका है और अभी तो फाइनली शायद से हमें कुछ तो रेयर चीज़ मिलेगी कॉन्ग्रेचुलेशन में। और देखते हैं गाइज कौन सी चीज़ मिलने। अबे 100 हो गया था लक्की नंबर, क्या मिला? 111 हो गया लक्की नंबर। फिर भी गाइज कितना एक्सपेंसिव रॉयल है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और भाई कितने डायमंड्स लगने वाले हैं आप उससे। ओ ओ गाइज यहाँ, ओ अबे, अरे यार ये शायद से सीजन 4 का फीमेल कॉस्ट्यूम है। और गाइज यार आप कमेंट करके बताना मैंने आपको सही बताया है नहीं बताया, सीजन 4 का फीमेल कॉस्ट्यूम है। और यहाँ पे भाई लक्की नंबर हमारा चला जाएगा भाई, लक्की नंबर हमारा जा चुका होगा भाई, मैं क्या बोलूँ। देखो गाइज यहाँ पे हमारा लक्की नंबर जा चुका है। और गाइज यहाँ पे चलो हम स्पिन करते हैं, बाकी अभी हमारे पास 6000 डायमंड्स हैं भाई साहब, तो यार कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे अभी टोकन, एक चीज़ बढ़िया चीज़ है भाई, देखो ये जो चीज़ है, अगर इसमें टोकन ना होते, टोकन में एक्सचेंज ना होता, तो भाई फिर तो बहुत ज़्यादा डायमंड्स लग जाते। लेकिन गाइज फ्री फायर वालों ने ये चीज़ अच्छी कर दी कि यहाँ पे आपको टोकन में भी एक्सचेंज कर सकते हो आप बंडल को। ठीक है, तो यहाँ पे चलो नहीं निकल रहा भाई, नहीं निकल रहा, तो मैं क्या करूँ अभी। यहाँ पे चलो और स्पिन करते हैं, और अभी हम देखने वाले हैं हमारे पास कितने टोकन हो चुके हैं। अगर 180 टोकन हो चुके होंगे तो हम जाके एक्सचेंज भी करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे टोकन देख रहे हो गाइस आप किस तरीके से मिल रहे हैं। चलो यार चलते हैं, देखते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने टोकन हो चुके हैं मेरे पास। और यहाँ पे स्टोर में जाएंगे, रिडीम पे जाएंगे, और यहाँ पे ये रहा। ओ गाइज मेरे पास हो चुके हैं 213 टोकन। और भाई शिवांग भाई से मैंने पूछा था अगर यहाँ पे मेरे पास टोकन हो जाते हैं और स्पिन में हमें बंडल नहीं मिलता तो मुझे कौन सा बंडल एक्सचेंज करना है, तो शिवांग भाई ने मुझे सीधे सीधे बोला था कि भाई तुमको यहाँ पे सीजन 2 एक्सचेंज करना है। तो गाइज यहाँ पे चलो मैं करता हूँ यहाँ पे ओ गाइज यहाँ पे हमारा हो चुका है सीजन 2 एक्सचेंज। और गाइज अभी हम सीजन 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विप करके, रुको मैं इसको गाइज यहाँ पे एक एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ भाई थोड़े से। तो यहाँ पे मैं इसको कर दिया, देखो गाइज यहाँ पे मैं इसको इक्विप करते हैं, और इक्विप करने के बाद भाई साहब यहाँ पे अभी और स्पिन करने वाले हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक का जो बटन है जोर से दबा देना। और भाई मैं चाहता हूँ कि स्पिन में भी मैं कोई बंडल शिवांग को निकाल के दूँ। ठीक है, और गाइज यार सुबह सुबह उसके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप लाइक ही नहीं कर रहे यार, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी करना होता है। तो गाइज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि शिवांग को मैं स्पिन में भी कोई बंडल निकाल के दूँ। भाई यार आप काउंट करना, देखो यहाँ पे कितने डायमंड्स लगे, मुझे एग्जैक्ट नंबर कमेंट करके बताओ कितने डायमंड में हमें 180 टोकन निकले होंगे और कितने डायमंड में हम इसको निकाल पाए। सीजन 2 हमारा निकल चुका है, अभी हम बढ़ रहे हैं सीजन 1 की तरफ। बाकी गाइज यार सब्सक्राइबर भी बता दो काउंट करके कितने हो चुके हैं, क्या पता आपने 1 मिलियन। ओ गाइज अबे मैंने सोचा गाइज सीजन 1 निकल चुका है भाई स्पिन करने से। सो गाइज यहाँ पे हमारा लक्की नंबर कितना हो चुका, 75 हमारा लक्की नंबर हो चुका है, 4000 डायमंड अभी बचे हुए हैं। सीजन 1 भी मैं एक्सचेंज कर लूँगा, लेकिन गाइज यार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्पिन करते टाइम कोई बंडल निकाल पाऊँ। बाकी गाइज यार आप देख रहे हैं आपके सामने है, यहाँ पे स्पिन करते टाइम तो कोई भी बंडल नहीं मिला। और गाइज यार एक काम करता हूँ, मैं टोकन चेक करके आता हूँ मेरे पास कितने हो चुके हैं। और यहाँ पे ओ 100 टोकन हो चुके हैं गाइज, अभी 3000 डायमंड में मुझे 80 टोकन और चाहिए, नहीं तो भाई शिवांग बहुत मारने वाला है। तो ये कैरेक्टर लेते हैं, और गाइज यहाँ पे मैं करता हूँ स्पिन, आई थिंक मेरे हिसाब से 3000 डायमंड में 80 टोकन मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, तो यार तो मिल जाने चाहिए, हम सीजन 1 भी एक्सचेंज कर लेंगे। बाकी गाइज शिवांग भाई खुद देख लेंगे उनको क्या और निकालना है, अगर उनको निकालना होगा तो वो यार खुद देखेंगे, बाकी सीजन 1 2 तो यहाँ पे एक्सचेंज हो ही जाएगा। और गाइज यार हाँ मैं अपनी आईडी में भी स्पिन करने वाला हूँ, एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम सीजन 4 का जो स्कार्फ वगैरह है, जो स्केट बोर्ड वगैरह है, वो निकालने वाले हैं। अभी हमारा लक्की नंबर देखो यहाँ पे 108 हो चुका है भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ फ्री फायर में कोई चीज़ गोल्ड रॉयल के अलावा
कि 108 लक्की नंबर जा रहा है, 100 प्लस लक्की नंबर जा रहा है, तब जाके कुछ चीज निकल रही है और अभी भी नहीं निकल रही है। ठीक है, बाकी डायमंड रॉयल वगैरह या फिर गन स्किन आती है रॉयल के अंदर तो 100 पे निकल जाती है भाई, कितनी भी रेयर चीज हो, लेकिन गाइज ये चीज नहीं निकल रही है। तो यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। और गाइज यहाँ पे देखो, ओ ओ गाइज, अबे यार ये क्या हो गया, अभी हमारा लक्की नंबर तो नहीं चला गया होगा। नहीं यार, लक्की नंबर हमारा नहीं गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 130 लक्की नंबर हो चुका है भाई साहब, सीरियसली भाई क्या ही मजाक कर रहे हो, 130 लक्की नंबर हो चुका है भाई। और यहाँ पे 140 लक्की नंबर हो चुका है गाइज, आप देख रहे हो यहाँ पे 140 लक्की नंबर 140 हो चुका है हमारा। और यार मेरा ना दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि अगर मेरे पास 180 टोकन और ना हुए तो यार शिवांग भाई तो बहुत मारेंगे भाई। चलो यार देखता हूँ, मेरे पास अभी 3 स्किन के डायमंड्स बचे हैं, कितने। ओ गाइज यहाँ पे फाइनली 184 टोकन हो चुके हैं, लेकिन यार मेरे पास अभी 1200 डायमंड्स है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे स्पिन करने का ट्राई करता हूँ, क्या पता है स्पिन में मुझे मिल जाए। ठीक है, क्योंकि 140 के आसपास हमारा लक्की नंबर भी हो चुका है, तो कुछ तो रेयर आइटम देना भाई। ओ गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, ओ गाइज ये शायद से मेरे हिसाब से सीजन 3 का बंडल है, तो यार सीजन 3 भी शिवांग भाई का निकल चुका है। तो यार आप कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट में ओपी लगा दो भाई। अभी हमारा देखो यहाँ पे इसको ओपन, अरे यार मैंने गलती से ओपन कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 2 स्किन के डायमंड बचे हैं। बाकी गाइज अभी मैं सीजन 1 भी एक्सचेंज करने वाला हूँ आपके सामने, ठीक है। तो यार आप प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके बता दो, बस यार कुछ भी चीज़ कमेंट कर दो। और अभी 400 डायमंड बचे हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। शिवांग भाई टेंशन मत लेना, सारे डायमंड्स उड़ा दूंगा, शिवांग भाई तुम टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, शिवांग भाई सारे डायमंड्स उड़ा दूंगा, ठीक है। और अभी मैं अपनी आईडी के भी डायमंड्स उड़ाने वाला हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइज यार चलो चलते हैं, अभी यार 40 और उड़ा देता हूं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने 24 डायमंड छोड़े हैं, और गाइज यार डायमंड कितने थे आप कमेंट करके बताओ, और क्या क्या हमने निकाला है। देखो हमारा सीजन 3 निकल चुका है पहले तो, और सीजन 1 मैं एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है। बाकी गाइज यार रुको, मैं सीजन 1 भी एक्सचेंज कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हमारा सीजन 1 भी हो चुका है एक्सचेंज। और गाइज यहाँ पे रुको, ये कहाँ भाग गया भाई, वो कहाँ भाग रहा है, सीजन 1 कहाँ भाग रहा है, रुको गाइज यहाँ पे। चलो गाइज मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ और मैं इसको करता हूँ ओके, बाकी इसको कर देते हैं ओपन। एंड गाइज ओपन करने के बाद इक्विप कर देंगे जो भी कैरेक्टर पे है। और अभी हमारे पास 42 टोकन बचे हैं, तो यार 42 टोकन में क्या एक्सचेंज करना। ओ गाइज ये स्केटबोर्ड तो वैसे इसका भी है, लेकिन स्केटबोर्ड एक्सचेंज कर लेते हैं, ये काफ़ी तगड़ा लगता है भाई, तो चलो इसको एक्सचेंज कर लिया। बाकी गाइज यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, मैं इसको भी इक्विप कर देता हूँ। आप कमेंट करके बता देना प्लीज़ यार कितने डायमंड लगे मेरे और क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। बाकी यहाँ पे देखो भाई सीजन 1 भी एक्सचेंज भाई ऑन हो चुका है, ठीक है। तो बाय बाय।